हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जल्दी जल्दी जितने भी साथी उत्तर प्रदेश में या भारत सरकार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, जल्दी जल्दी ई लर्निंग विद दुर्गेश की इस महत्वपूर्ण क्लास में लाइव जुड़ जाइए। यह क्लास फ्रेंड आगामी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वह आपका यूपी टेट है, चाहे आपका आगामी प्राथमिक सुपर टेट है, या आपका KVS है, या DSSB है, जितने भी शिक्षक संबंधित एग्जाम होंगे सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। फ्रेंड, तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वयं जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे। क्लास को प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, मनोवैज्ञानिक, जी हाँ मनोवैज्ञानिक क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था किसने? भाटिया ने, कर्ट लेनिन ने, वाटसन ने, या फ्रांसिस गाल्टन ने? जल्दी बताएं फ्रेंड, किसने दिया था क्षेत्रवादी सिद्धांत, फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग को किसने दिया था? फटाफट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करें। फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए सभी साथियों का एक बार पुनः मैं क्लास में स्वागत करता हूं। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। क्लास प्रारंभ हो चुकी फ्रेंड, आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है? चलिए बी 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 बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपेक्षाकृत आंसर आया है, बिल्कुल विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बिहेवियर इक्वल टू F इंटू ई, मतलब फ्रेंड बताया इन्होंने कि व्यवहार जो बिहेवियर इक्वल टू फैक्टर इंटू इन्वायरमेंट, तो ये इनका एक फार्मूला था जिसके द्वारा इन्होंने इस थियरी को सिद्ध किया था, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर कि मनोवैज्ञानिक का क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग कर्ट लेविन ने, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, यह जवाब आप सभी लोग निश्चित तौर पे जानते होंगे कि सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध जो व्यवहार करता है उस प्रकार के बालक को क्या कहते हैं? बाल अपराधी, बुद्धिमान, बुद्धिहीन या पाखंडी। तो बालक की बात हो रही है, जाहिर सी बात है बालक ही इसका आंसर होगा कि ऐसा बालक जो समाज द्वारा बनाए गए नियमों दिशा निर्देशों के विपरीत कार्य करता है उसको आप सभी लोग, हम लोग बाल अपराधी की श्रेणी देते हैं, चाइल्ड क्रिमिनल का नाम दिया जाता है उसको कि वह बच्चा बाल अपराध कर रहा है, इसलिए उसको बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये बताइए कि वह समाज के नियम क्या है, जैसे समाज का नियम क्या है कि चोरी नहीं करना है, ये चोरी कर रहा है, किसी से झगड़ा नहीं करना है वह झगड़ा कर रहा है, किसी को गाली नहीं देना है वह गाली दे रहा है, हमेशा झूठ मत बोलना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बाल मनोविज्ञान संबंधित है, विकासात्मक अवस्था से बालक की सामाजिक अंतःक्रिया से परिपक्वता एवं अनुसक्ता के प्रभाव से उपयुक्त सभी थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, बताइए कि बाल मनोविज्ञान का संबंध किससे है, बाल मनोविज्ञान का संबंध किससे है? फ्रेंड, बाल मनोविज्ञान का संबंध किससे है? विकासात्मक अवस्था से बालक की सामाजिक अंतःक्रिया से परिपक्वता एवं आनुवंशिकता के प्रभाव से उपयुक्त सभी से।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। जी हाँ, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, लगभग लगभग सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। भाई विकासात्मक अवस्था से भी संबंध है बाल मनोविज्ञान का, बालक की असामाजिक अंतःक्रिया का भी संबंध है मनोविज्ञान से, परिपक्वता एवं मानसिकता के प्रभाव का भी है और उपयुक्त सभी, इसलिए इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जी हाँ, विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, नवोदय विद्यालय बने हैं। जी हाँ, नवोदय विद्यालय बने हैं किनके लिए? ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, आरक्षण वाले बच्चों के लिए या गरीबों के लिए? जी हाँ, नवोदय विद्यालयों का सृजन किनके लिए किया गया है? ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, आरक्षण वाले बच्चों के लिए, गरीबों के लिए? जी हाँ, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताइए कि नवोदय विद्यालय का सृजन क्यों किया गया? चलिए आप सब भी ए ए ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर आंसर आ रहा है, काफ़ी अच्छा आंसर आ जा रहा है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि ग्रामीण प्रतिभावान बच्चे की प्रतिभा को परखने के लिए नवोदय विद्यालय का सृजन किया गया। नवोदय विद्यालय में ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा को और अच्छे तरीके से निखारा जाता है तथा उन्हें देश हित राष्ट्र हित के लिए और अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सही सटीक आंसर है। ये कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। एमिल नामक किताब, जी हाँ, एमिल नामक किताब जिसमें एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का उल्लेख किया गया है के लेखक हैं? जी हाँ, सीधे सीधे कहें कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, फटाफट आंसर करके बताया फ्रेंड कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो इसके लेखक है उनकी एक और प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसी लेखक की यह भी एक प्रसिद्ध रचना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए वो कौन से लेखक हैं। प्रतिदिन ये क्लासेज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल से मिलेंगी। डेली CDP की महत्वपूर्ण क्लास को मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए विकल्प नंबर ए बी सी, अलग अलग काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। भाई रूसो की रचना है एमिल, साथ ही साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी रूसो ही लिखा है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, रूसी नहीं, यह जो सही है फ्रेंड वह है रूसो, यह बिल्कुल सही है। रूसो ने एमिल नामक किताब को लिखा जिसमें एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे फ्रेंड क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिल रचना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला, किस प्रकार के प्रश्नों में, निम्नलिखित में से कह रहे हैं किस प्रकार के प्रश्नों में मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना कठिन है? कहने का मतलब कि किस प्रकार के प्रश्न की वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? किस प्रकार के प्रश्नों के लिए वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, किस प्रकार के प्रश्नों के लिए वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? फटाफट इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करें फ्रेंड। निबंधात्मक प्रश्न है, बहुविकलात्मक प्रश्न है, मिलान वाले प्रश्न है या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है? जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या है इसका सही जवाब? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। क्या है इसका सही जवाब? जी हाँ, चलिए आंसर आने प्रारंभ चुके, ए ए बी बी डिफरेंट टाइप के आंसर आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि
वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन होता है। तो भैया जानते रहिएगा कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के आंसर सही हैं कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन होता है। बहुविकल्पी वाले प्रश्न भी बना सकते हैं, मिलान वाले में भी, और रिक्त स्थान के पूर्व, क्योंकि इनका आंसर हम एक शब्द में दे सकते हैं, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न को थोड़े बड़े स्तर पर लिखा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डिसलेक्सिया, जी हाँ डिसलेक्सिया बच्चों में, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है पढ़ने लिखने में, सोचने समझने में, याद रखने में या ध्यान देने में। बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लर्निंग डिसेबिलिटी का यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता का यह बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से तो आप मान के चलिए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं एक प्रश्न आपके आने तय है। यह फ्रेंड मुश्किल से गणना में 8 से 10 हैं, यदि एक बार आप इसको याद कर लेते हैं तो एक नंबर आप परीक्षा में बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं। आंसर आप सभी के बिल्कुल सही हैं, डिसलेक्सिया का संबंध होता है पढ़ने और लिखने से। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया का संबंध किस प्रकार के अधिगम क्षमता से होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दे फ्रेंड सभी साथी, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के समाज, जी हाँ व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की है, वाटसन ने, जीन पियाजे ने, थर्सन ने, या वाकर मेहदी और पासी ने। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दें, क्योंकि यह बेहद सिंपल क्वेश्चन है। जहां पर भी हम बिहेवियर, जी हाँ बिहेवियर की बात करते हैं, वहां पर एक मनोवैज्ञानिक का नाम न ले, ऐसा हो सकता है, जी हाँ एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इनका नाम क्या है। चलिए आने प्रारंभ भी हो चुके हैं आंसर, ए ए ए ए ए, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोग सही है फ्रेंड, कि वाटसन का जिक्र न हो तो व्यवहारवाद की संकल्पना अधूरी सी रहती है, क्योंकि जब 21वीं सदी की बात आई तो वाटसन ने ही व्यवहारवाद को अपनाया था। वाटसन व्यवहारवाद के अंदर वाटसन, स्कीनर, थान राइक, हल, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने व्यवहारवाद के संबंध में अपनी अपनी थियरी दी है। तो वाटसन, जी हाँ बिल्कुल, डिसग्राफिया का संबंध लेखन से है और डिसकैलकुलिया का संबंध गणित से है, बिल्कुल आप सभी के जवाब सही हैं। व्यवहारवाद का जो संप्रदाय फ्रेंड वह वाटसन ने दिया है, जबकि संज्ञानात्मक विकास का संबंध जीन पियाजे से है, या संज्ञानात्मक विकास का संबंध जीन पियाजे से है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, और अवरुद्धा, युद्ध, गुणसूत्र, यौन अंगों का तीव्र विकास। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, और अवरुद्धा, युद्ध, गुणसूत्र, यौन अंगों का तीव्र विकास। जल्दी से बताएं फ्रेंड क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए डी 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 डी, चलिए विकल्प नंबर डी ज्यादातर आ रहा है आंसर कमेंट में, तो फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड। चलिए कह रहा है कि बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, अरे भैया वह बालक ही है, अभी उसके यौन अंगों का विकास पूर्ण रूप से किशोरावस्था में प्रारंभ होता है। तो यौन जो डी कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब गलत हैं, अवरुद्ध इच्छा इसका विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्यों फ्रेंड, क्योंकि यदि बच्चा किसी चीज़ की इच्छा या चेष्टा करता है और वह पूरा नहीं होता है तो वहीं पर अपराध का जन्म होता है। जैसे यदि बच्चा किसी खिलौने के लिए हट कर रहा है या किसी चीज़ को खाने की इच्छा कर रहा है, यदि वह उसको नहीं मिलता है तो वह चोरी करने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब यदि बच्चों की इच्छा पूरी नहीं होती है तभी वह क्या है, अपराध की तरफ बढ़ते हैं। तो अवरुद्ध इच्छा ही इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी वाले अपने आंसर को करेक्ट कर लें, आई होप आप लोग संतुष्ट हो गए क्यों इसका विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य, जी हाँ निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है,
सामाजिक कौशलों का विकास, नागरिकता की शिक्षा, समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, संगीत अधिक्षमता का विकास। बताइए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सामाजिक कौशलों का विकास, नागरिकता की शिक्षा, समूह में समायोजन की क्षमता, संगीत अधिक्षमता का विकास। नहीं पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कौन सा उद्देश्य शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए भैया, सामाजिक कौशलों का विकास तो अत्यंत जरूरी है, यह तो आना ही चाहिए। नागरिकता की शिक्षा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, यह भी मस्ट है, क्योंकि यदि एक बालक समाज में रह रहा है, समूह में रह रहा है, उसमें समायोजन करने की क्षमता का विकास भी उसके अंदर होना चाहिए। जो फ्रेंड वह अल्प मात्रा में आवश्यक है वह संगीत क्षमता का विकास, जो कि हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि संगीत अधिक्षमता का विकास इसका उद्देश्य नहीं है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों ने विकल्प नंबर डी को क्रमशः कमेंट किया है, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। अगला, जॉन डेवी ने कहा है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी भरा वातावरण है, या विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। जॉन डेवी, जी हाँ, द स्कूल एंड सोसाइटी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इन्होंने प्रयोजनवाद के मत को विस्तार तौर से दर्शाया है। तो प्रयोजनवादी आप कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता आपके हैं जॉन डेवी। प्रयोजनवाद के जनक कहे जाते हैं जॉन डेवी। इन्होंने विद्यालय के संदर्भ में क्या कहा है, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, या विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी भरा वातावरण है, या विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। डी 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 डी, अरे भाई, इन्होंने कहा था कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जॉन डेवी का कहना है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जॉन डेवी का ए कथन बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावकों के लिए और सभी के लिए। बताया फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए जरूरी है? क्या शिक्षकों के लिए, क्या छात्रों के लिए, क्या अभिभावकों के लिए, क्या सभी के लिए? शिक्षा मनोविज्ञान किनके लिए अति आवश्यक है? शिक्षा मनोविज्ञान यदि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यदि आप इसमें उलझेंगे तो गलत कर देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान किनके लिए जरूरी है? चलिए देखिए आंसर आ रहे हैं, सभी लोग गड़बड़ा गए हैं, सभी लोग कन्फ्यूजिया गए हैं। जी हाँ, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अरे भाई, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए जरूरी है। यदि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक नहीं करेगा तो वह बालक को, मनोदशा को, बालक की सामाजिक, मानसिक और नीति नैतिक भावनाओं को कैसे समझेगा, कैसे वह उनके समायोजन की परिकल्पना को समझ पाएगा, कैसे वह बालक के विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कर पाएगा? इसलिए सबसे आवश्यक होता है शिक्षक का बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना। तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह शिक्षक के लिए है। छात्र तो उसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है? यदि क्वेश्चन होता शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का आधार बालक है, क्योंकि बालक के ही विभिन्न प्रतिक्रियाओं का, विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसीलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस प्रश्न में जरा सा ध्यान आप गड़बड़ाएंगे तो गलत हो जाएगा, वही गलती आप सभी लोगों ने की है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? पारितोषिक देकर, उधार देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर? यह फ्रेंड क्वेश्चन है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं आप अपने विवेक से इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए क्या है क्वेश्चन का सही जवाब। इसी छात्रों में आप चोरी करने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं? जी हाँ, अगर उपहार का मतलब होता है फ्रेंड, पारितोषिक का मतलब होता है इनाम देकर, इनाम देंगे तो यह इसका कोई विकल्प नहीं है, तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। ताड़ना देंगे
तो भी और बिगड़ जाएगा, सजा देंगे तो भी बिगड़ जाएगा। मतलब उसको एग्जाम्पल देकर आप सुधार सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी आदत को बदलने का एग्जाम्पल देकर। एग्जाम्पल क्या, कि उसके सामने अच्छे अच्छे बच्चों का एग्जाम्पल या उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि यह बच्चा इस प्रकार की गलती नहीं करता था, अच्छे से पढ़ाई करता था, माता पिता की कहना मानता था, यह हो गया वह हो गया। मतलब ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे बच्चा संतुष्ट हो और अपने द्वारा अपनाए गए उस आदत को बदलने का प्रयास करे। तो उदाहरण देना ही सबसे सही विकल्प होगा। तो विकल्प नंबर बी आप सभी लोगों ने कमेंट किया है जो कि बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट आंसर। मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो बिल्कुल सभी को पता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क को त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, आधुनिक समय में वह व्यवहारवाद को अपनाए है। तो बिल्कुल विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उस डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा, कभी आप नहीं बोलेंगे कि वास्तव में मनोविज्ञान वास्तव में है क्या, तो व्यवहार का विज्ञान है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है, बालक है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, अभ्यास है। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें आप झार के बालक को कमेंट कर सकते हैं, मैं भी इसका बिल्कुल सही आंसर मानूंगा। क्योंकि देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। जरूरी किसके लिए है, शिक्षक के लिए। दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं, दोनों प्रश्न आपने क्लियर कर दिया है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने के लिए, बालक को समझने के लिए, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के चयन में। तो यह भी क्वेश्चन फ्रेंड बिल्कुल सिंपल है, आशा है सभी लोग इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, चलिए कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं। चलिए 16 का डी, जी हाँ, डी 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 बी, तो बी और डी में कन्फ्यूज हैं, जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन का विषय वस्तु ही है। तो लगता है थोड़ा सा नेट स्लो कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। जी हाँ, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम बालक को भी समझने, बालक के विचारों को भी हम इसमें प्राथमिकता देते हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान जो सहायक होता है वह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। बालक तो केंद्र बिंदु है ये, उसके लिए ही तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को ही हम महत्व देते हैं, इसलिए उसके अंतर्गत बालक को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में, मापन तथा मूल्यांकन में, खेलों के प्रशिक्षण में या पाठ्यक्रम निर्माण में। तो कहने का मतलब फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, किसमें शिक्षा मनोविज्ञान का जोर नहीं होता है। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक होता है शैक्षिक मनोविज्ञान, मापन तथा मूल्यांकन में आवश्यक होता है शैक्षिक मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम निर्माण में भी अत्यंत आवश्यक होता है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग, खेलों के प्रशिक्षण में आप शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं बल्कि अधिगम के कुछ सिद्धांत का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आप सभी के आंसर सी आ रहे हैं, बिल्कुल सही, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस प्रकार के तर्क में एक व्यक्ति विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्यों के निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, आगमन तर्क, निगमक तर्क, प्रश्नात्मक तर्क या उत्तरात्मक तर्क। कह रहे फ्रेंड कि विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्यों के निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 के लिए अपना आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या इसका सही जवाब। किस प्रकार के तर्क में एक व्यक्ति विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्यों के निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो देखिए फ्रेंड, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन, जी हाँ फ्रेंड, आगमन तर्क इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगमन में विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्य की ओर बढ़ा जाता है, जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षण की किंडन गार्डन पद्धति आधारित है, शिक्षण की किंडन गार्डन पद्धति आधारित है प्रोजेक्ट मेथड पर, खेल विधि पर, सर्वेक्षण विधि पर या ह्यूरिस्टिक मेथड पर। किंडन गार्डन पद्धति आधारित है फ्रेंड किस पे, जी हाँ, किंडन गार्डन पद्धति किस पर आधारित है। किंडन गार्डन, यदि किंडन गार्डन का फ्रेंड
जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड होता है बाल उद्यान, किंडन गार्डन फ्रेंड का जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बाल उद्यान, तो बाल उद्यान। इसका जो फ्रेंड संबंध होता है वह खेल विधि से होता है, जबकि क्रियात्मक शोध का संबंध प्रोजेक्ट मेथड से होता है। जहाँ पर क्रियाकलाप की बात की, क्रियात्मक शोध की बात की जाए वहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड, और जहाँ पर बाल उद्यान या किंडन गार्डन पद्धति की बात की जाए तो फ्रेंड खेल खेल में शिक्षा की बात करता है किंडन गार्डन मेथड। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरिया मॉन्टेसरी ने दिया है किंडन गार्डन पद्धति को, तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जबकि खेल विधि को हेनरी कार्ल कुक ने दिया है, खेल विधि को हेनरी कार्ल कुक ने दिया है, तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते फ्रेंड आज के अपने प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, कि बालक में भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, परिवार है या विद्यालय है या जनसंचार माध्यम है या पत्र पत्रिकाएं हैं। जी हाँ फ्रेंड, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब निश्चित तौर पर सोच समझ कर ध्यान से कमेंट करके बताइएगा कि बालक में भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था के रूप में क्या परिवार को जानते हैं, क्या विद्यालय को, क्या जनसंचार माध्यम, क्या पत्र पत्रिका हो। जल्दी से आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए ए ए ए ए ए ए बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम बोलना या भाषा का प्रारंभ उसके परिवार से ही होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। यदि क्लास आपको बेहतर लगा हो तो वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपने स्कोर को जरूर कमेंट किया करिए कितने आप लोगों ने सही अटेंड किया क्वेश्चन को। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।